नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं भारतीय नायक। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। बिहार के सरकारी शिक्षकों ने क्यों चुना जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम, जाने अमित कुमार की कठिन कहानी। कोरोना महामारी के बाद बिहार के भागलपुर जिले के कुमार परिवार के लिए खुशियों का पल तब आया जब परिवार के सबसे बड़े बेटे अमित कुमार को सरकारी नौकरी मिली। वह अब एक सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत है, लेकिन एक छोटे से वेतन और परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण उन्हें एक और काम भी करना पड़ा, जोमेटो डिलीवरी बॉय। तो आखिर क्या वजह रही कि एक शिक्षक को ये कदम उठाना पड़ा। अमित कुमार को भागलपुर के एक सरकारी स्कूल में पार्ट टाइम शिक्षक के रूप में 8,000 रुपए वेतन पर नौकरी मिली है। हालांकि ये वेतन घर चलाने के लिए ना काफी था। अमित ने बताया कि मेरे वेतन में कोई बदलाव नहीं आया है। सरकार ने ना तो कोई परीक्षा ली है और ना ही हमारी स्थिति में कोई सुधार किया है। स्कूल के अन्य शिक्षक 42,000 रुपए की सैलरी लेते हैं, जो मेरे वेतन से 5 गुना ज्यादा है। अमित कुमार ने अपने छात्रों को पढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन वेतन में सुधार ना होने के कारण उन्हें घर चलाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। जब इस साल की शुरुआत में अमित और अन्य पार्ट टाइम शिक्षकों को 4 महीने तक वेतन नहीं मिला तो उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। इसके चलते उन्हें दोस्तों से उधारी लेनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे यह कर्ज बढ़ता गया और वित्तीय संकट गहरा गया। जोमेटो डिलीवरी बॉय बनने का निर्णय, अमित की पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि वह जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन पर रजिस्टर करें ताकि वे अपनी आय बढ़ा सके। अमित कहते, मैंने फूड डिलीवरी करने के बारे में रिसर्च किया और पाया कि इसमें काम करने के निश्चित घंटे नहीं होते हैं। मैंने तुरंत रजिस्ट्रेशन कराया और काम शुरू कर दिया। अमित ने यह निर्णय परिवार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लिया। उनकी प्राथमिकता अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की है। अमित ने पहले एक निजी स्कूल में काम किया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उनका वह रोजगार छिन गया। इसके बाद उन्होंने 2019 में सरकारी परीक्षा दी और उसमें 100 में से 74 अंक हासिल किए। लंबी प्रतीक्षा के बाद 2022 में उन्हें सरकारी नौकरी मिली, लेकिन वह भी बहुत कम वेतन पर। अब वह 8,000 रुपए की सैलरी से परिवार को मुश्किल से चला पा रहे हैं। अमित कहते, मेरे पास सिर्फ 8,000 रुपए हैं जिससे परिवार का खर्च नहीं चल सकता। निष्कर्ष, अमित कुमार की कहानियां दिखाती है कि बिहार जैसे राज्य में सरकारी नौकरी पाने के बाद भी जब वेतन इतना कम हो तो परिवार चलाने के लिए कई बार लोगों को अतिरिक्त काम करना पड़ता है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के वेतन की स्थिति पर सवाल उठाना जरूरी है ताकि उन जैसे शिक्षकों को उचित मान्यता और वेतन मिल सके। अमित जैसे लोग न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते बल्कि समाज के बच्चों को भी एक बेहतर भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।